और दूसरा लंबी लंबी सांसें लें और मुंह में से थोड़ा खून सा आ रहा है इसकी, और आंखों भी ऐसे हुई। साथियों नमस्कार, डियर बेडकेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये टॉर्टाइज है और इसको किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसा कि साथियों ओनर ने बताया गया है, तो ये समस्याएं इस टॉर्टाइज में कितने दिनों से देखने को मिल रही हैं? दो साल के करीब देखो आप ही करना। अब साथियों ऐसी स्थिति में इस टॉर्टाइज में किस प्रकार से आपको ड्रॉप और इसके अलावा जो दवाएं रहती हैं आप उनका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं साथियों? तो साथियों सबसे पहले स्टोटाइज में दवाएं के रूम में अधिकतर दवाएं ऐसी रहती हैं जो ड्रॉप्स के रूम में पिलाई जाती हैं साथियों। तो आपको इन ड्रॉप्स का यूज किस प्रकार से करना है साथियों, इस बात का ध्यान जरूर रखना है साथियों। तो ड्रॉप पिलाने का इसका सिंपल सा तरीका ये रहता है, जैसे ही ये अपने खोल से बाहर आता है, इसका मुंह आता है, तो पीछे से इसके मुंह को पकड़ लेना है साथियों, अंदर इसके खोल में ना जाने पाए। और उसके जाने से पहले आपको मुंह के द्वारा जो ड्रॉपर्स की मदद से इसके मुंह में दवाओं का यूज़ करना है साथियों। तो अब बात करेंगे कि आप ड्रॉप्स के द्वारा आप एंटीबायोटिक्स दवाएं और साथ में जो एनाल्जेसिक रहती हैं आप उनका भी यूज़ करें, क्योंकि साथियों इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके मुंह से खून देखने को मिल रहा है। साथ में कभी कभार जो कछुआ है वो आँख से पस जैसा निकाल रहा है साथियों, और इसके पैर में भी हल्का सा आपको खुदरापन खुजली टाइप की देखने को मिल रही है साथियों, ओनर के द्वारा बताया गया है। तो आप साथियों सबसे पहले एक ही बात कहना चाहेंगे, आप ड्रॉपर्स के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स दवाएँ जो पशु चिकित्सक के द्वारा दी जाती है आप उनका यूज़ करें, और कोई भी दवा लेते से पहले आपको पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना है साथियों। थैंक यू।